ओए होए मनमोहन सिंह, तुमने तो दिल जीत लिया। तुमने आज मेरी मनपसंद चीज बनाई है, छोले भटूरे और मिठाई में रसगुल्ला। मजा आ गया तुम्हारा खाना देखकर। आज मैं भरपेट खाऊंगा। गांवत तो मैंने बहुत खाई, बहुत बहुत भरपेट खाया, लेकिन आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा। छोले भटूरे दो चार प्लेट और एक्स्ट्रा बनवा लूं, बहुत खाऊंगा मैं। मनमोहन सिंह जी, मजा आ गया तुम्हारा खाना देखकर। अरे मोदी जी, हमें मालूम था तुम्हें छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाए, और मिठाई में तुम्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने रसगुल्ला बनवाया है। खाए रहो जितना खा मिले तुमसे। और इस चीज के लिए मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ कि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाया। मैंने खाने का इंतजाम स्कूल में कर लिया है, और इसीलिए तुम सबको स्कूल की ड्रेस भी पहना दी है। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं मनमोहन सिंह जी, छोले भटूरे और इस रसगुल्ले के लिए तो हम स्कूल की ड्रेस क्या चौकीदार की ड्रेस भी पहन लेंगे। कोई बात नहीं, बहुत मजेदार छोले भटूरे हैं तुम्हारे। अरे सही कह रहे हो अखिलेश, बहुत ही प्यारे छोले भटूरे हैं इनके, और बहुत ही प्यारा रसगुल्ला है, रस से भरा हुआ बिल्कुल। मनमोहन सिंह, थोड़ी सी चटपटी चीज होती तो मजा आ जाता, कोई चटपटी चीज मंगवा लो। योगी जी, ये घर तो है नहीं, मैंने स्कूल में खाना बनवाया है, जो बनवाना था एक ही बार में बनवा लिया। चटपटी चीज तो हम नहीं मिल पाएगी, घर होता मैं बनवा देता, समझे। यही खा लो, इसी से मजे लो। और भाई लोगों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1, अरे मुलायम सिंह जी, तुम्हारी दावत देखकर खुश हो गया दिल खुश हो गया, खासकर तुम्हारा सरसों का साग देखकर। और ये गुलाब जामुन तुम्हारे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अभी मैं खाना खाने के बाद चखूंगा इन्हें। अब तुमने सरसों का साग तो बनाया है, लेकिन अगर मक्के की रोटी होती तो मजा ही आ जाता। अरे मोदी जी, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी बनाने का ही प्लान बनाया था, लेकिन मक्के का कहीं आटा ही नहीं मिला। मैंने सारी दुकानों पे दिखवाया, कहीं पर भी आटा नहीं मिला, इसीलिए मुझे चावल बनाना पड़े। सरसों के साग के साथ चावल खा लो, और ये गुलाब जामुन जो मैंने अपने हाथ से बनाए ये खा लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। अरे योगी जी, आज तुम चुप हो, ये तो बताओ खाना मैंने अपने हाथ से बनाया है कैसा है ये खाना। खाना तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है मुलायम सिंह जी, बहुत ही मजेदार खाना है, खासकर तुम्हारा सरसों का साग बहुत बढ़िया है, और गुलाब जामुन तो मैं खाना खाने के बाद चखूंगा तो ही बताऊंगा कैसे है। मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा अखिलेश बिल्कुल चुप है, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, ये कुछ नहीं बोल पा रहा है तुम्हारे सामने। अरे योगी जी, मैं अपने पापा मुलायम सिंह जी के सामने बिल्कुल बहुत ही कम बोलता हूँ। अब इन्होंने इतना बढ़िया खाना बनाया है, उस खाने तक की तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। किसी और का खाना होता अब तक मैंने कितनी तारीफ कर दी होती, अब मैं अगर तारीफ करूंगा तुम लोग ये कहोगे अपने पापा की खाने की तारीफ कर रहा है। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी, एक ब्रेड पकौड़ा देना, जो गरम गरम निकाल रहे हो, यही वाला एक ब्रेड पकौड़ा खट्टी वाली चटनी मिलाकर दे दो। बहुत दिन हो गए तुम्हारा ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया है, जल्दी दे दो चटपटी चटनी डाल के। और अखिलेश, तुम कैसे बैठे हो दूर जाके, कैसे बैठे हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, समझे, यहाँ पर बैठे बैठे। मोदी जी तो ब्रेड पकौड़ा उधार देते नहीं है, और जेब में पैसे है नहीं। मैं सोच रहा था कोई जान पहचान वाला आ जाए, उसकी प्लेट में से थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा तोड़ के चख लूं। इनका ब्रेड पकौड़ा बहुत बढ़िया होता है, जब तक खाओ नहीं तब तक मुंह साफ नहीं होता है, बहुत ही चटपटा होता है इनका ब्रेड पकौड़ा। अखिलेश, ऐसी फ्री का ब्रेड पकौड़ा देखते फिर ना, कभी केजरीवाल आते उनका तोड़ के खा ले तो थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा, कभी अमित शाह आते तो उनकी प्लेट में से थोड़ा सा तोड़ के खा लेती हूँ। कभी अपना पैसा खर्च नहीं करते, अगर मुझसे लेते भी हो तो उधार लेते हो। अगर मैंने तुम्हें एक दो बार उधार दे भी दिया है तो तुमने महीनों लगा दिए उसे चुकाने में, अब तो मैंने तुम्हें देना ही बंद कर दिया। अरे कोई बात नहीं है मोदी जी, मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा लगाओ, उसी प्लेट में से मैं अखिलेश को अपने साथ खिला लूंगा। किसी जमाने में इन्होंने भी मुझे बहुत ब्रेड पकौड़े खिलाए थे, लेकिन अब इनका वक्त खराब चल रहा है थोड़ा, तो बेचारे इधर उधर से खा रहे हैं। कोई बात नहीं, खा लेने दो। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1, go। अरे बस एक चम्मच और, एक चम्मच तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। तुम हाथ हटाओ, देखो थाली में से हाथ हटाओ, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, समझे। मैंने इतने प्यार से रसीले आलू बनाए तुम्हारे लिए, और तुम खाने का नाम ही नहीं ले रहे हो,
सिर्फ अखिलेश और योगी जी ही खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो ये तो बताओ। अरे मायावती जी, अब बिल्कुल नहीं खाया जाएगा मुझसे, मैंने जितना खाना था खा लिया, कैसे खाऊं अब? अरे मैंने बहुत खा लिया, मैं नहीं खा पाऊंगा अब बिल्कुल। अब ये अखिलेश को दे दो, ये जो तुम्हारे चम्मच में तुमने निकाल लिए रसीले आलू, ये अखिलेश को डाल दो, अखिलेश की थाली में डाल दो, मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे मायावती जी, क्या दावत की है तुमने? तुम्हारी दावत की तो पूरे इलाके में चर्चा कर दूंगा मैं। क्या रसीले आलू बनाए तुमने, और साथ में जो टमाटर की और खीरे की सलाद रखी है, बड़ा मजेदार सलाद है, और साथ में नींबू छिड़का हुआ है उसपे, ओहो मजा आ गया। ये चम्मच जो तुमने एक चम्मच रसीले आलू निकाले, ये मोदी जी को ही दे दो, मुझे मत दो। इन्होंने खाया ही क्या है? कुछ नहीं खाया है। अरे मायावती जी, ये रसीले आलू का चम्मच मेरी थाली में मत डालो, मत डालो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अरे जैसे ही मैंने तुम्हारे रसीले आलू खाए, मेरे पेट में बदहजमी हो गई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है खाना पूरा करूं या दो नंबर के लिए जाऊं, क्या करूं मैं, बहुत कंफ्यूजन में हूं। बदहजमी हो गई तुम्हारे रसीले आलू से मुझे। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1 अरे अखिलेश, मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। देखो मैं शिवलिंग लेकर कांवड़ यात्रा पे निकला हूँ, अब हरिद्वार जाकर ही ये कदम रुकेंगे। अरे मोदी जी, हम भी तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, समझे, हम भी बहुत बड़े भक्त हैं। अरे हमारे भी कदम भोले की नगरी में ही जाके रुकेंगे। और मोदी जी, अब चलो भी, कब तक झूमोगे, चलो जल्दी पहुंचना है अपनों को भोले की नगरी। यार अखिलेश, ये कमी बहुत कर रही है, योगी जी साथ में नहीं है, अगर योगी जी साथ में होते तो बहुत मजा आता, योगी जी को थोड़ा काम पड़ गया इसीलिए वो नहीं आ पाए। यार क्या बताऊं मैं, योगी जी होते तो और ही मजा आता। अरे मोदी जी, मैं तो साथ में हूँ, मेरे साथ क्या मजा नहीं आता है तुम्हें? अरे मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ में, अपने दोनों साथ में चल रहे हैं, चलो जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पर। अरे अखिलेश, तुम्हारे साथ मजा तो आता है, लेकिन इतना मजा नहीं आता जितना योगी जी के साथ आता है, उनके साथ तो रहने का मजा ही निराला है, आज वो साथ में होते तो बात ही निराली होती अखिलेश, बात ही निराली होती। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।